अमरपुर थाना क्षेत्र के बल्ली किता गांव में विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत के बाद पूरे राज्य में हंगामा मच गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए अमरपुर विधानसभा के विधायक सह बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री की पहल पर मृतक की पत्नी को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया। शनिवार के दिन मंत्री का काफिला बल्ली किता गांव पहुंचा। मौके पर मंत्री जयंत कुमार कुशवाहा मृतक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर मंत्री ने शोक संतप्त परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रशासन आपके साथ है। उन्होंने बताया कि स्वयं शोक संतप्त परिवार के संबंध में प्रतिदिन अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों एवं अधिकारियों को उन्होंने बल्ली किता गांव का प्रतिदिन सैनिटाइज एवं ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का निर्देश दिया। मंत्री का काफिला अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचा, जहां अस्पताल में कोरोना मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में मंत्री ने स्वास्थ्य प्रबंधक एवं अस्पताल के प्रभारी से अद्यतन जानकारी ली। मौके पर मंत्री ने बताया कि बिहार में कोविड-19 के तीसरे फेज को लेकर विभिन्न अस्पतालों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जल्द ही अमरपुर अस्पताल में मिनी ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के बाद प्रतिदिन 100 सिलेंडर के भरने की क्षमता होगी। मौके पर बांका SDM मनोज कुमार चौधरी, अमरपुर CO स्वाति कृष्णा, BDO राकेश कुमार, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, डाटा केयर अभिषेक कुमार घोष, बल्ली किता पंचायत की पूर्व मुखिया आशा देवी, निवर्तमान मुखिया संजय कुमार सिंह, अरविंद यादव, कृष्णानंद कापरी समेत अन्य ग्रामीण व स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। जितना भी रेफरल अस्पताल है, सबसे अपग्रेड अस्पताल हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी भी अमरपुर अस्पताल की स्थिति और अस्पताल के बनिस्पत में यहाँ पे रोगियों का जिस तरह से इलाज हो रहा है काफ़ी अच्छी है। डिलीवरी लगभग 600 के आसपास में होता है, जो मतलब जिला में सबसे ज़्यादा डिलीवरी होता है। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। राशि भी लगभग व्यवस्थित हो गया है, उसके लिए राशि हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं कि कैसे उसको करना है। कुछ विधायक फंड से, कुछ अन्य मद से मिला के उसको व्यवस्थित कर लिया है। बहुत जल्द अनुकूल अस्पताल आपको व्यवस्थित दिखेगा। कोविड के लिए कुछ अलग से प्लान है क्या? कोविड के लिए यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का और जो है अभी तो कोविड के लिए एक रैनबसेरा को बनाया गया है, और जो भी ज़रूरत होगा वो हम लोग इसकी भी तैयारी, इस बार की भी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाला जो जिस तरह का न्यूज़ बराबर आ रहा है कि तीसरा फेज भी आएगा, उसकी भी तैयारी में हम लोग लग गए हैं पहले से। सर, ये कौशलपुर में जो एक हॉस्पिटल तैयार हुआ है, तो कब तक तैयार हो जाएगा, मतलब कब तक वहाँ काम? अभी उसके बारे में बात हुई है कि हमको लगता है कि बहुत जल्द उसको जो है हम लोग उसका ये कर लेंगे, देख लेते हैं। फिर कितना काम बाकी है? कोई काम नहीं, हैंडओवर हो गया। हैंडओवर हो गया तो उसको हम लोग कोविड के चलते, कोविड के चलते ये है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। रेडी टू हैंड है तो उसको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी अभी हम लोग। अमरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के समीप विगत 3 दिन पूर्व हुए CSP संचालक से 2 लाख रुपये मामले को थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने गंभीरता से लेते हुए घटना के महज 36 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी कर लूटकांड में शामिल एक अपराधी को रजौन थाना क्षेत्र के लोढ़िया गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लूट में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार युवक लोढ़िया गांव का नीरज कुमार बताया गया। बताते चले, 3 दिन पूर्व भी दिन दहाड़े डुमरामा हाई स्कूल भाया तारड़ी ग्रामीण मुख्य पथ पर लक्ष्मीपुर गांव के समीप बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने तारड़ी गांव के CSP संचालक अमन कुमार उर्फ पांडव यादव से 2 लाख रुपये एवं 1 मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद CSP संचालक ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। दिए गए आवेदन को थानाध्यक्ष ने गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के विभिन्न गांव में छापेमारी का अभियान चलाया। इसी बीच थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी लोढ़िया गांव में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर लूटकांड में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर लूटकांड में प्रयुक्त काली कलर का बाइक भी जब्त किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ किया जा रहा है, जल्द ही लूटकांड का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। करते थे जी? छीन छान नहीं किए हैं, एक बार नाम चला गया तो बार बार उठाने के लिए ढूंढ रहा है।
अमरपुर के मैनाथो चक गांव में बच्चों के बीच विवाद को लेकर मारपीट में एक महिला समेत चार लोग जख्मी हो गए। जख्मी बेबी देवी, पुनीत यादव, वीरेंद्र यादव व मणि यादव का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी महिला ने बताया कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर संजय यादव, नीरज यादव समेत अन्य लोगों ने लाठी डंडा से प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ नहीं, बच्चा उतरू में झगड़ा हुआ था सर, हम लोग बैठे थे, आकर के कुर्सी पे फरसा मार के पीछे से। कौन कौन मारा आपको? धनंजय यादव और विभोज यादव, संजय यादव, जनार्दन यादव, नीरज यादव। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क है। विभाग के कर्मचारी जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना की जांच एवं वैक्सीनेशन के लिए प्रखंड वासियों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कम दिख रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उच्च विद्यालय फुल्ली डूमर परिसर में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में 18 वर्ष से अधिक युवा एवं युवतियों ने वैक्सीन की पहली डोज ली, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले एक भी व्यक्ति नहीं आए। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक परशुराम सिंह ने बताया कि फुल्ली डुमर बाजार में एक संक्रमित की मौत हो चुकी है। बावजूद घर घर जाकर वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर गहराई से समझाने के बावजूद एक भी बाजारवासी वैक्सीन लेने नहीं पहुंचे। बताया गया कि वो लोग कई तरह की गलत अफवाहों से ग्रसित है। हालांकि अस्पताल में आकर 100 व्यक्तियों ने कोरोना जाँच कराई, जिसमें एक भी पॉजिटिव नहीं निकला। अमरपुर अस्पताल का बांका जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी पर सब वार्ड, आउटडोर, दवा की उपलब्धता, डॉक्टर्स रूम व कोविड मरीज को मिलने वाली दवाओं का बारीकी से निरीक्षण किए। मौके पर उन्होंने सीओ स्वाति कृष्णा को अस्पताल गेट के समीप मौजूद दुकानों को अविलंब हटाने का निर्देश दिया। अस्पताल परिसर में वार्ड की कमी को देखते हुए उन्होंने प्रखंड कार्यालय स्थित बेकार पड़े भवनों को अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी को उपयोग करने का निर्देश दिया। जल्द ही भवन के बाहरी परिसर की घेराबंदी करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल प्रभारी से अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर की अद्यतन जानकारी ली। मौके पर उन्होंने बताया कि अस्पताल का सौंदर्यीकरण को लेकर मैनिटरी वार्ड, प्रसव वार्ड, डॉक्टर्स क्वार्टर आदि का निर्माण होना है, जिसके लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल परिसर में जल्द ही मिनी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होगा। ऑक्सीजन प्लांट निर्माण के बाद ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। बांका जिला के अमरपुर अस्पताल में काफी मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिसे बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर डीडीसी रवि प्रकाश, सीओ स्वाति कृष्णा, बीडीओ राकेश कुमार, अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर दीप्ति सिन्हा, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी व अधिकारी उपस्थित थे। तो जीर्णोद्धार कराने का और यहाँ पे अलग से स्पेशल ओटी, लेबर रूम, मैटरनिटी वार्ड और कोविड को लेकर के जो हमने की अभी चल रही है तैयारी आगे को लेकर, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट पाइप वाला कनेक्शन सारे बेडों के लिए, 30 बेड के लिए, उसका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर काम भी शुरू करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे थोड़ा और बेहतर करने का, यहाँ पे हमारे पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो संभावनाएँ हैं इसमें, उसको हम लोग अभी निरीक्षण करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। और बगल में कुछ एरिया है जो अभी तक यूज़ नहीं हो रहा था, वहाँ पे हम लोग जो अंदर में क्योंकि थोड़े से एरिया में काफ़ी कुछ है, उसको वहाँ हम लोग शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ हैं, उनको रहने के लिए एक यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर का भी हम लोग को स्वीकृति मिली है, उसका भी काम शुरू करवाया जाएगा।